बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फिफ्थ लेक्चर का आगाज कर रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर जो है हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो हमने एक डेफिनेशन जो पढ़ी थी अकाउंटिंग की, उसका जो हमारा जो क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, सबसे पहले एनालिसिस था, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग आ गया, और उसके बाद जो चीज हमने डिस्कस की थी वो था क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है समराइजेशन था, फिर रिपोर्टिंग और इंटरप्रिटेशन वगैरह था। ठीक है, तो आज हम अपने जो क्लासिफिकेशन का जो पोर्शन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो है क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो क्या चीज है और ये किस तरीके से होती है। ये फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन है, ये मैंने लास्ट टाइम भी हमारा जो डिस्कस लेक्चर्स थे उनके अंदर भी मैंने इसको डिस्कस किया था। आज फिर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए रिव्यू करूंगा कि सबसे पहले हमने क्या चीज देखी थी, अकरेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, कि एक इवेंट जो है हमारे कारोबार के अंदर जो है वो किस तरीके से अकर होता है। अब यहाँ पर इवेंट से मुराद जो है फाइनेंशियल इवेंट है जिसके अंदर कोई भी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर जो है वो पैसों का लेन देन होगा उसको हम इवेंट जो है वो यहाँ पे कंसीडर करेंगे, इसको आप ट्रांजेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सबसे पहली जो चीज हमने ये देखा कि फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन क्या चीज है, कि अकरंस ऑफ इवेंट या एक ट्रांजेक्शन जो एक कहीं पे भी जो एक ट्रांजेक्शन वकूफ पजीर होती है उसको आप किस तरीके से आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसका सबसे पहले आप क्या चीज बना लेते हैं, वाउचर बना लेते हैं, जिसको आप रसीद या इसको आप उस रसीद से आगे एक फॉर्मल, अगर आपने उसको कह ले के फॉर्म कोई डिजाइन किए हुए तो उसके ऊपर जो है वो एक वाउचर की शक्ल आप दे देते हैं। ठीक है, अब उन वाउचर्स की फिर पोस्टिंग हम जो है वो करते हैं जनरल जर्नल के अंदर। ठीक है, ये जर्नल की हमने लास्ट टाइम जो है डिस्कशन की थी और इसको मैंने कोशिश किया था कि इन चीजों को जो है वो आपके साथ में एक डिटेल से डिस्कशन करूं। इसके ऊपर हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की और फिर उससे मुतलका जो भी रूल्स थे उनको भी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन जो होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और एक जनरल जो एंट्री है वो किस तरीके से पास की जाती है। ठीक है, अब हमने, अब ये जो चीज थी हमारी डेफिनेशन जो थी वो डेफिनेशन के अंदर क्या चीज थी, सबसे पहला जो उसमें पोर्शन था कि उसमें अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो एनालिसिस का जो पोर्शन है वो यहाँ तक हमारा जो है वो मुकम्मल हो जाता है कि अकरेंस ऑफ इवेंट और उसके बाद फिर उसका जब हम वाउचर बना लेते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है ना हम इसको देखते हैं कि ये बिजनेस के अंदर किस तरीके से जो है वो ट्रांजैक्शन हमारी परफॉर्म हो रही है। फिर जब हम एनालिसिस करने के बाद जो है वो कोई नतीजा निकाल लेते हैं और हम उसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से जो अकाउंट जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म की गई है, तो उसको हम जो है वो जब उसका एनालिसिस करने के बाद जो है हम कोई ना कोई रिजल्ट के ऊपर जो है वो कंक्लूड कर लेते हैं तो फिर हम उसकी एक जनरल एंट्री पास करते हैं जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब रिकॉर्डिंग भी हमने कर ली पहले फेज के अंदर, उसकी जो है पहले फेज के अंदर एनालिसिस कर लिया, दूसरे के अंदर आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। अब जो थर्ड उसका पोर्शन है वो है उसका क्लासिफिकेशन का, कि जनरल लेजर जो है ना, अब हमने इनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन अपनी करनी है कि जनरल लेजर क्या चीज होती है। ठीक है, और ये किस तरीके से जो है वो अकाउंटिंग के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और ये इसको हम जो है जनरल लेजर जो होते हैं इसको हम क्लासिफिकेशन का नाम भी देते हैं। सबसे पहले तो हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो थी डबल एंट्री सिस्टम। अब ये हमने लास्ट टाइम पिछले जो हमारे जो लेक्चर्स थे उनके अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है हम डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं उनको हम जो है वो ज़हन में रखते हैं और उनको बार 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 हमें रिपीट करना पड़ता है, उनको बार बार हम लेके चलते हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लेजर को शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ में जो है वो थोड़ा सा रूल्स को भी डिस्कस कर लें। तो पहला हमारा रूल क्या था कि एसेट्स जो है,
एसेट्स जब भी कारोबार में इंक्रीज होगा, कारोबार के अंदर उसका इजाफा होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और जब कारोबार के अंदर जो है उससे कारोबार के अंदर से वो डिक्रीज होगा, ठीक है, और या उसमें से कमी होगी या वो कारोबार से जाएगा, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक्सपेंसेस से, कि जब भी एक्सपेंसेस कोई अकर होगा, इनकर होगा, ठीक है, आप उसको जो है वो इंक्रीज कहलाएगा और आप उसको डेबिट कर देंगे। और फिर अगर वो ऐसा एक्सपेंस कि जब वो डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटीज थी ये, इसके एक्सपेंस इसके एसेट्स के अपोजिट चलती है, कि एसेट्स अगर इंक्रीज हो तो वो डेबिट करते हैं, लेकिन अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और अगर ये डिक्रीज होगी तो फिर हम इसको डेबिट करेंगे। कैपिटल जो है वो हमने डिस्कस किया था कि ये लाइबिलिटी ही होती है, ठीक है, और इसको हम लाइबिलिटी की ही तरह ट्रीट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि लाइबिलिटी और कैपिटल में फर्क ये होता है कि लाइबिलिटी होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, हम इसको ले लेते हैं, और कैपिटल से मुराद हम इंटरनल लाइबिलिटी ले लेते हैं। इनके रोल जो है वो दोनों के सेम है, और सेम ही पैटर्न के अंदर हम इसको डेबिट या क्रेडिट जो है वो करते हैं। ठीक है, इनकम जो है वो एक्सपेंस का अपोजिट है। इनकम एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो तो हम डेबिट करते हैं, लेकिन अगर इनकम हमारी इंक्रीज हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, अगर अगर डिक्रीज हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। अब ये इसके स्टेप्स थे, रिमेंबर के रूल्स को आपने कैसे जो है वो एप्लीकेशंस को किस तरीके से रिमेंबर करना है, तो इसके लिए आपने सबसे पहला स्टेप आपका क्या था कि सी द नंबर ऑफ चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि आपके सामने एक ट्रांजेक्शन आती है तो उसके अंदर आपने ये देखना है कि चेंज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, किस अकाउंट्स के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, उस चेंज के अंदर, जिसके अंदर वो चेंज आएगा उसको आपने देखना है कि वो किस तरीके से उसमें चेंजेस आया है, इन विच अकाउंट दीज चेंजेस शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, कि वो किस उन कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिनके अंदर जो है वो चेंजेस रिकॉर्ड की जा रही है, फिर हमने उसके ऊपर अप्लाई अपना फार्मूला अप्लाई कर देना है कि अगर वो इंक्रीज होगा तो आप उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो वो उसके मुताबिक चलेगा। ठीक है, फिर हमने जनरल को भी डिस्कस किया। जनरल का ये फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो हम ट्रांजैक्शन एक जनरल एंट्री जो पास करेंगे उसको किस तरीके से पास करेंगे, कि जो डेबिट करेंगे उसको यहाँ पे फर्स्ट में लिखते हैं, और जो क्रेडिट करेंगे उसको हम थोड़ा सा आगे करके यहाँ पर जो है थोड़ा सा उसका टैब का जो है देकर आगे उसको क्रेडिट की शक्ल में लिखते हैं। ठीक है, ये LF का फॉली इसका जो उसमें आ जाता है कॉलम, जिसके अंदर लेजर फॉलियो, जिसमें अंदर लेजर जो हमने बनाने होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और फिर यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर डेबिट अमाउंट लिखी जाती है और सेकंड कॉलम के अंदर क्रेडिट अमाउंट लिखी जाती है। ये इसके भी हमने के स्टेप्स जो हैं टू रिमेंबर इन रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसको भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप जो है एक ट्रांजेक्शन को जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला इसमें स्टेप क्या था, विच आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। आपने जब ट्रांजेक्शन आपके सामने आएगी तो उसको आपने ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से डबल इफेक्ट जो हैं वो परफॉर्म किए जा रहे हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं इसके अंदर हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है विच अकाउंट्स आर कंसर्न, और वो किन अकाउंट से मुतलका है, एसेट से मुतलका है, इनकम से मुतलका है, एक्सपेंस से मुतलका है, ये कौन कौन से इसमें अकाउंट्स हैं। फिर उसके बाद कंसर्न अकाउंट्स बिलोंग टू विच कैटेगरी, वो जो अकाउंट्स हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, जो भी है। ठीक है, फिर विच रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, उसके ऊपर फिर हमने वो रूल अप्लाई कर देना है। ये पीछे वाले जो स्टेप्स हैं वो भी यही है, समझ लें। ठीक है, अब हम अपना आज का जो लेक्चर है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज लेजर इन सिंपल वर्ड्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सिंपल वर्ड्स में लेजर होता क्या है, क्या चीज है लेजर जो है। मैंने अभी आपके सामने थोड़ा सा इसको ब्रीफ भी कर दिया था कि लेजर क्या चीज है। ठीक है, तो अब हम जरा थोड़ा सा इसको एक फॉर्मलाइज वे में जो है वो डिस्कस करते हैं कि लेजर क्या चीज है। अ लेजर इज अ लेजर इन अकाउंटिंग रेफर टू अ बुक, ठीक है, कि ये एक बुक को जो है वो रेफर करता है, दैट कंटेन डिफरेंट अकाउंट्स, ठीक है, जिसकी जो मुश्तमिल होती है मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर, वेयर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस जो है जनरल क्लासिफाइड टू अ स्पेसिफिक अकाउंट। ठीक है, क्या चीज होती है कि ये एक बुक होती है बेसिकली, अगर आप इसको मैनुअली देखेंगे तो ये एक बुक होती है जनरल,
ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हम जर्नल बनाते हैं और सॉरी लेजर्स बनाते हैं। तो ये एक लेजर की एक बुक होती है जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनको हमने लिखा होता है, क्लासीफाई किया होता है। मसलन कैश, कैश को अलहदा, बैंक को अलहदा, फिर इसी तरह से एक्सपेंसेस को हमने अलहदा अलहदा कैटेगरी उसकी बनाई होती है, इनकम की अलहदा बनाई होती है, कैपिटल की अलहदा बनाई होती है। तो हर एक हेड वाइज जो है ना हमने अकाउंट्स को क्लासीफाई उसके अंदर किया होता है, विच रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन जनरल क्लासीफाइड। क्लासीफाइड का मतलब है कि आपने क्लासेस उनकी बना देनी है, एक्सपेंसेस एक तरफ, इनकम एक तरफ, या इनके लिए आप अलहदा अलहदा रजिस्टर्स, या अगर मैनुअली बना रहे हैं रजिस्टर्स भी अलहदा बना सकते हैं, और इनको सेपरेटली आप जो है मसलन कैश बुक के लिए आप अलहदा बना देते हैं, बैंक बुक के लिए अलहदा बना देते हैं, इसी तरीके से और जो भी आपके एसेट्स हैं उनके लिए आप अलहदा अलहदा एक रजिस्टर जो है वो एलोकेट कर देते हैं। अब ये जो काम चीज थी ये मैनुअली हैंडल होता था उस टाइम पे, रजिस्टर के ऊपर हम ये चीजें करते थे, लेकिन अब चूंकि अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारा जो जर्नल है, जो हमने पीछे जर्नल जर्नल हमने सीखा, एंट्रीज हमने ट्रांजेक्शन पास करना सीखा, वो आजकल सॉफ्टवेयर के अंदर एक तरह से स्किप हो गया। अब उसकी जगह पे लेजर ही आ गए हैं। जब आप एक ट्रांजेक्शन पास करते हैं तो लेजर्स के अंदर उसकी ऑटोमेटिकली पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नाउन एज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री क्यों कहा जाता है, या इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो होता है हम ट्रायल बैलेंस और रिपोर्टिंग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, चीजों को समराइज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जो जनरल एंट्रीज होती हैं उनको हम यहाँ पे फाइनलाइज मोड के अंदर ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम अपनी एंट्रीज को, अपनी ट्रांजेक्शन को फाइनलाइज करते हैं और अकाउंट्स के कंक्लूजन जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्लासिफाइड अकाउंट्स। ठीक है ना, ये हमें इसमें क्लासिफिकेशन जो है वो अकाउंट्स को क्लासिफाई कर देता है। अब ये चीज़ अभी आपको यहाँ पर हो सकता है ये चीज़ें इतनी समझ ना आए, लेकिन जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के अंदर आपको बाकायदा तौर पर समझ आएगा कि लेजर है क्या चीज़, और उसको मैं बार बार ये जो क्लासिफिकेशन का नाम ले रहा हूँ ये क्लासिफिकेशन है क्या चीज़। क्लासिफिकेशन आपको शायद यहाँ पे बात बात फिर इतनी क्लियर ना हो, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके ये बात क्लियर हो जाएगी। हेल्प इन प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, इसी से हम जो लेजर होता है इसी से हम अपने ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ठीक है, और इट प्रोवाइड्स स्टैटिस्टिकल डाटा, इट डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ ईच अकाउंट। हर अकाउंट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो उसको फाइनलाइज हो जाते हैं। ठीक है, कैश का आपको पता चल जाता है हमारा डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, इसी तरह एक्सपेंस का, इसी तरह इनकम का, इसी तरह कैपिटल का, हर एक अकाउंट के जो रिजल्ट्स हैं वो कंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है लेजर्स की हम जो फॉर्म्स हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम दो शक्लों में बनाते हैं, एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, दूसरी सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म कहलाती है। पहली जो चीज़ है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको ज़रा थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि ये पहले शुरू शुरू में हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म चलती थी। ठीक है, और इसका ये नीचे जो फॉर्मेट दिया गया जिसमें पहला डेट का कॉलम होता था, फिर रेफरेंस, फिर जे आर से मुराद जनरल रिव्यू रेफरेंस जो होता था, जो पीछे यानी कि जो आपने जनरल एंट्रीज पास की होती हैं उसका हम रेफरेंस इस जगह पे जे आर के अंदर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी डेबिट साइड की जो अमाउंट है वो इसमें लिखी जाती है। फिर इसी तरीके से अब ये जो पूरी साइड है ये मुकम्मल यहाँ तक जो है वो आपकी डेबिट साइड कहलाएगी। इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो साइड है ये आपकी क्रेडिट साइड कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें हम एक तरफ डेबिट लिख देते हैं, दूसरी तरफ हम उसको क्रेडिट लिख देते हैं। इसमें भी डेट, रेफरेंस, जे आर और अमाउंट का कॉलम होता है। ठीक है, अब इसके अंदर पोस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, ये पोस्टिंग के प्रोसीजर के मैंने कुछ थोड़े से स्टेप्स आपके लिए लिखे हैं। ठीक है, इनको अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें तो यहाँ पे हम इसको वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। पहला इसमें स्टेप क्या है, लोकेट द लेजर अकाउंट द फॉर द फर्स्ट डेबिट इन द जनरल एंट्री। ठीक है, कि आपने जब जनरल एंट्री जो पास करते हैं उसके अंदर देखना है कि जो जनरल एंट्री पास की जा रही है उसमें पहला अकाउंट कौन सा है जिसको आप डेबिट कर रहे हैं। आपने ये
जो हमने ये चीज जो है जर्नल एंट्रीज में डिस्कस की थी कि सबसे पहला जो डेबिट होता है वो हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप के अंदर हम क्रेडिट को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज डेबिट हो रही होगी उसको अब सबसे पहले आप उसकी पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर पे रिकॉर्ड द डेट इन द डेट कॉलम, वही अभी मैंने आपके साथ पिछली स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया था कि यहाँ पर डेट जो है वो आप लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है रिकॉर्ड द नेम्स ऑफ द अपोजिट अकाउंट। अब यहाँ पर ये जो पिछला इसका आपने फॉर रेफरेंस देखा है, यहाँ पर ये देखें ऊपर हम सलमान का अकाउंट जो है वो यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन सलमान के अंदर हमने कैश का अकाउंट जो है वो यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से क्रेडिट पे अगर मैं देखूँ तो परचेजेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा जब भी एक ट्रांजेक्शन पास की जाती है तो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आप फर्ज करें सलमान का बना रहे हैं तो आपने ये देखना है कि जनरल एंट्रीज में कहाँ कहाँ पे सलमान का अकाउंट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, नाम उसका लिखा जा रहा है। अब उस नाम के अगेंस्ट में उसका अपोजिट अकाउंट कौन सा है जिससे वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो उसका वो जो अपोजिट अकाउंट होता है उसको आपने हमेशा डेबिट या क्रेडिट साइड पे लिखना होता है। अगर सलमान डेबिट हो रहा है तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, अगर वो सलमान क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड द नेम ऑफ द अपोजिट, ये आ गया। अब उसके बाद रिकॉर्ड द पेज नंबर, पेज नंबर वही जो जे आर के अंदर, यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो जे आर के अंदर जो पेज नंबर जो जनरल रेफरेंस जनरल एंट्रीज का जो हम पेज नंबर लिखते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ द डेबिट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड की जो भी अमाउंट होगी वो हम उसमें लिखेंगे, यहाँ पे ये जो इधर साइड पे यहाँ पे जो ये वाली जो डेबिट साइड की अमाउंट है, ठीक है। फिर उसके बाद लोकेट द लेजर अकाउंट फॉर द फर्स्ट क्रेडिट इन द, उसके बाद फिर हमने यही स्टेप्स जो है ना क्रेडिट साइड के लिए भी रिपीट करने होते हैं कि जो क्रेडिट चीज हो रही होती है उसको भी हमने रिपीट करनी होती है। अब इसकी हम थोड़ी सी प्रोसीजर की हम जो है आगे जाके जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये मजीद आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे इसकी एक और चीज जो मैं अभी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है बैलेंसिंग इन एन अकाउंट, ठीक है, कि अकाउंट के जो नॉर्मल बैलेंसेज हैं वो क्या निकलते होते हैं। जब आप एक कोई भी आप जब आप बनाते हैं लेजर्स बनाएंगे तो उसमें बैलेंसिंग हम किस तरीके से करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट इज इट्स बैलेंसेज, ठीक है। ये यहाँ पर फर्ज करेंगे जो आपने इधर देखा कैश अकाउंट इधर लिखा हुआ है, इधर परचेजेस लिखा हुआ है, इधर और भी ट्रांजेक्शन आएंगी, फिर हमने इसके बैलेंसेज निकालने होते हैं। ये वाली चीज़ भी जो है वो आपको आगे जाके मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगी। द बैलेंस इज रिटन ऑन द लेसर साइड टू मेक द टू साइड इक्वल, ठीक है। फिर बैलेंस आपने कहाँ पे लिखने होते हैं, जो सी आपकी साइड डेबिट या क्रेडिट में से जो सी छोटी साइड होती है जिसकी अमाउंट कम होती है, वहाँ पे अमाउंट कम शो वो अकाउंट्स में लिखी होती है वहाँ पर आपने बैलेंस की अमाउंट लिखनी होती है। दिस प्रोसेस इज इक्विलाइजिंग द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट, इसको हम इक्विलाइजिंग करना कहते हैं या बैलेंसिंग करना कहते हैं। टोटल डेबिट से अगर आपका टोटल डेबिट अगर आपका ज़्यादा हो टोटल क्रेडिट से तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस निकलता है, और इसी तरीके से अगर टोटल क्रेडिट जो है वो ज़्यादा हो डेबिट से तो फिर आपका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, और अगर टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट दोनों बराबर हो तो आपका नील बैलेंस निकलेगा, ठीक है। ये नॉर्मल बैलेंसेज होते हैं। देखिए ये नॉर्मल बैलेंसेज से मुराद ये चीज़ है कि ये आपको अगर आप थोड़ा सा इसको अपने जहन में रखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपके लिए अकाउंटिंग सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मसलन जो एसेट होता है, ये जो एसेट है इसका हमेशा जो है इसकी डेबिट साइड बड़ी होगी, ठीक है। जब आप एक लेजर अकाउंट बनाएंगे तो इसकी हमेशा डेबिट साइड आपको बड़ी मिलेगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ही शायद मेरी इतनी बात क्लियर ना हो, ये भी आपको चीज़ आगे जाके मजीद समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस की भी डेबिट साइड आपकी बड़ी होगी, ठीक है, और अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे तो क्रेडिट साइड उसकी बड़ी होगी, लाइबिलिटीज को देखेंगे तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी, कैपिटल को देखें तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी नॉर्मल बैलेंसेज हैं। अब इसको मजीद आसान लफ्जों में अगर आपने समझना हो तो अगर आपने डेबिट या क्रेडिट के जो रूल सीखे हैं उनके अंदर जौन सा हेड ऑफ अकाउंट इंक्रीजिंग मोड में जौन सा भी हेड ऑफ अकाउंट होगा वो उसका नॉर्मल बैलेंस कहलाएगा। मसलन
एसेट जो होता है वो इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, तो यहाँ पे ये डेबिट साइड आ गई। इसी तरह एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, वो डेबिट साइड आ गई। लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है, तो उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। इसी तरीके से इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट। तो ये जो चीज़ है आपने इस चीज़ को इसको देख लेना है कि जो इंक्रीजिंग मॉड होता है डेबिट या क्रेडिट का, वो उसका किसी भी अकाउंट की कैटेगरी का वो आपका नॉर्मल बैलेंस जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब पोस्टिंग का प्रोसीजर जो है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा उसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये जो मैंने अभी पीछे डिस्कस की कि इसमें जो ये डेट का कॉलम है, फिर इसमें ये जो एक ये जो जनरल एंट्री जो प्रोसीजर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये उसकी है वो पोस्टिंग का। ठीक है, कि इसकी जनरल की जो हमने किस तरीके से था कि सबसे पहले ये जनरल एंट्री थी, इसमें एक डेबिट अमाउंट है, एक दूसरी क्रेडिट के हवाले से। ये डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम, ये आपका लेजर फॉलियो का कॉलम है। ठीक है, अब हम लेजर की जो पोस्टिंग है, ये पिछली जो ट्रांजैक्शन है जैसे कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी पोस्टिंग जो है वो किस तरीके से की जा रही है। कि यहाँ पे ये 50,000 रुपये की एंट्री है, तो ये देखिए अगर आपने इसके अंदर दो हमारे अकाउंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व है, कैश का है दूसरा कैपिटल का है। तो दोनों के अंदर जो अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से पोस्टिंग होती है, पहले अगर हमने लास्ट टाइम जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि डेबिट साइड का अगर यहाँ पे जो डेबिट अमाउंट है इसका आपने पहला लेजर अकाउंट बनाना है, और सेकंड नंबर पर जो है आपने करंट का जो है वो अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहला जो कैश का बन गया फर्स्ट पे, तो फर्स्ट के अंदर ये देखें कैश हमारा पीछे डेबिट हो रहा है इस जगह पे, तो हमने क्या किया इसको डेबिट साइड के अमाउंट को लिख दिया, और उसकी अपोजिट फिगर कौन सी थी, कैपिटल। तो कैपिटल को हमने यहाँ पर, कैपिटल को हमने डेबिट साइड पे लिख दिया उसके रेफरेंस के तौर पर कि कैश हमारा किस वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से डेबिट हो रहा है। अब मैं अगर इसकी ट्रांजैक्शन समझना चाहूँ तो इसकी ट्रांजैक्शन भी हम जो है वो बड़ी इजीली पास कर सकते हैं कि कैश जो है वो यहाँ पर जो है वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल अकाउंट की वजह से। अगर इसकी जनरल एंट्री देखेंगे तो क्या बनेगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट इसकी एंट्री बन जाएगी। इसी तरीके से आपने उसका जो कैपिटल अकाउंट है दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो है वो डेबिट हो रहा है, और यहाँ पर जो है ये कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, कैश जो है वो आपका डेबिट हो रहा है, तो आपने इसको डेबिट साइड पर लिख दिया, और कैपिटल जो है वो आपका क्रेडिट हो रहा है, तो आपने उसको अपना क्रेडिट साइड के ऊपर उसकी फिगर्स लिख दी, और यहाँ पर रेफरेंस के लिए उसका अपोजिट अकाउंट जो है वो आपने मेंशन कर दिया। ये इसका जो सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म है लेजर की, वो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस की है कि सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म क्या चीज़ है। देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस किया था कि जो पहला हमारा फॉर्मेट था स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लेजर अकाउंट की, वो आजकल हमारे इस्तेमाल में नहीं आती है। आजकल हम जो है वो सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट जो है ये बनाते हैं नॉर्मली। अब ये क्यों बनाई जाती है, इसकी एक वजह है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम साथ साथ में उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मसलन ये देखें, यहाँ पर जो है कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका रेफरेंस के तौर पर लिखा गया पहली ट्रांजैक्शन। अब ये अगर डेबिट है तो डेबिट साइड पे फिगर आएगी, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे फिगर आ जाएगी। ठीक है, फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया, परचेजेस क्रेडिट हो रही है क्रेडिट साइड पे लिख दी। ठीक है, अब ये हमने कैश अकाउंट का बेसिकली लेजर अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि पहली ट्रांजैक्शन वाली कौन सी है, कैश अकाउंट टू कैपिटल, दूसरी कैश अकाउंट टू फर्नीचर, तीसरी कैश अकाउंट टू परचेजेस। ठीक है, तो तीन हमारी ट्रांजैक्शन हैं, तीनों आप जो है उसके अपोजिट अकाउंट जो है वो आपने यहाँ पे डेबिट साइड पे लेते हैं, क्योंकि कैश जो है तीनों ट्रांजेक्शन के अंदर डेबिट हो रहा था तो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर गया हूँ। ठीक है, कि ये चूंकि हम सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म बना रहा हूँ तो इसके अंदर मैंने वो थोड़ा सा मेरे जहन में स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया था। यहाँ पर पहली ट्रांजेक्शन के अंदर कैश जो है वो डेबिट हो रहा है तो उसकी अमाउंट हमने डेबिट साइड पर लिख दी, दूसरी ट्रांजेक्शन के अंदर जो है फर्नीचर हमारा डेबिट हो रहा है। ठीक है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो कैश चुका का हम चूंकि लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो इसलिए उसकी उसको हमने देखना है
कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है तो हमने उसकी फिगर जो है वो क्रेडिट साइड पे लिख दी। इसी तरीके से परचेजेस जो है वो आपकी क्रेडिट हो रही है, सॉरी कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, परचेजेस आपकी डेबिट हो रही है। तो कैश चूंकि आपका क्रेडिट हो रहा है तो आपने कैश को क्रेडिट साइड पर लिख दिया। अब इसको बैलेंसिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि साथ साथ में बैलेंस नहीं कर रहे हैं आपके। ये देखिए पहली ट्रांजेक्शन के अंदर पहली 50,000 की एंट्री की डेबिट साइड पे थी, क्रेडिट में कुछ नहीं था, तो बैलेंस निकल आया डेबिट साइड का। इसी तरीके से फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है 10,000 पैसे, तो यानी कि डेबिट में 50,000 है, क्रेडिट में 10,000 है, तो बैलेंस कितना निकल आया 40,000 रुपये का। थर्ड ट्रांजेक्शन 30,000 पैसे है, ठीक है। अब ये 30,000 रुपये क्रेडिट हो रहा है, बैलेंस में आपके पास कितना है 40,000 रुपये, 40,000 रुपये में से 30,000 रुपये माइनस हो गया तो बैलेंस आपके पास निकला है 10,000 रुपये। इसी तरीके से साथ साथ जो भी आप ट्रांजेक्शन पास करेंगे डेबिट या क्रेडिट की, उसके अंदर जो भी फिगर आपकी वहां पे हो रही होगी वो उसको उसका बैलेंस निकल कर जो है साथ साथ में मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने इसके फॉर्मेट्स को और इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस किया अपने लेजर्स अकाउंट की, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी चीज जो है वो क्लियर नहीं हुई तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, अब हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर जो है अपने लेजर्स अकाउंट को इलस्ट्रेशन की मदद से हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आपने पहले तो इसकी डेफिनेशंस को और इनकी जो पीछे जो मैंने प्रीवियस जनरल को लेते हुए जो प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे अडॉप्ट की है उनको अगर आप थोड़ा सा समझ लें तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस आपको मजीद आसान हो जाएगी, ठीक है। अब प्रैक्टिस जो हमने करनी है इलस्ट्रेशन की, उसके अंदर देखें जनरल भी रिपीट होगा, ठीक है, जो हमने जनरल एंट्रियाँ पास की हैं वो भी आपकी रिपीट होंगी, और जो लेजर मैंने अभी आपके इसके अंदर जो मैंने डिस्कस किया है बनाना का आपको थोड़ा सा बताया है वो भी वहाँ पर रिपीट होगा। तो आगे वाली जो इलस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने समझना है, और उससे पहले ये जो चीज़ें हैं आपके डेबिट कार्ड के जो रूल्स हैं वो आपको समझ आने चाहिए, और दूसरे नंबर पर जो लेजर के फॉर्मेट और उसके अंदर पोस्टिंग का तरीकाकार, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम जो है वो एक अच्छे तरीके से अपने लेजर्स बनाने के काबिल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं, फिफ्थ लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।